ये छठ पूजा था ना, तो छठ पूजा से पहले 2 महीना पहले हम लोग का स्ट्रीट से, मतलब 2 स्ट्रीट छोड़ करके तीसरा वाला में एक अपार्टमेंट राधिका टावर, उसी के बगल में एक घर है, तो उसमें एक आदमी घुसा था ये गहना साफ करने के लिए। जो गहना साफ करते करते वो क्या किया कि निकल गया वहाँ से गाना लेकर के, और औरत को बाहर से बंद कर दिया। तो उसके बाद 1 महीना बाद मेरे यहाँ पे एक आदमी घुसा टाइल साफ करने के लिए। टाइल्स मतलब, अच्छा टाइल्स साफ करने के लिए हाँ, कौन कौन बुलाया था? कोई बुलाया नहीं, कोई उसको बुलाया नहीं, इसी तरह घूमते फिरते घुस गया। हम नीचे थे और हड़बड़ाते हुए ऊपर चढ़ रहा है, सीधा जा करके ठाकुर जी का दरवाजा पे खड़ा हो गया। हम भी वहीं पर आके फटाक से रुक गए। बोले क्या बात है भैया, आप इतना हड़बड़ाते हुए चढ़ रहे हैं ऊपर? तो बोल रहा है कि हमको सब घर में जा करके पूछना है, टाइल साफ करना है। बोले कोई बुलाया है? नहीं। तो बोले जिसको यहाँ जरूरत पड़ता है ना, वो बुलाता है फ़ोन करके। हाँ, बोल नहीं हमको पूछना है सब जगह। चोरी उड़ी जो होता है वो तुम अकेले रहता है तो क्या रखता है? लाठी उठी रखा लाठी तो नीचे है। है? हाँ बताओ, देश इतनी कमजोर है, आज एक बार पकड़ ले तुम क्या करेगा? हाँ बाबू क्या करेगा? बता रहे हाँ तो हम बोले हैं कि 1 से 2 बजे के बीच में कौन सा टाइल साफ होता है? रात दिन हाँ, दिन में। और इस तरह से आप एकाएक जो है हड़बड़ाते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ पर घर और थोड़ी है, अब इतना हड़बड़ाते हुए चढ़ रहे हैं। इस तरह से सबका दरवाजा खुलवा के पूछने का अलाउड नहीं है। आप भी डांट सुनिएगा, हम भी सुनेंगे। चलिए नीचे चलिए, आपका फोटो आ रहा है। हम बोले तो मेरा फोटो तेरे पास कैसे? तो हम बोले हैं कि आपका फोटो जो है ना पूरे चीरा चास में चिपकाएंगे, नीचे लिखेंगे इस चोर को पकड़ो, 1 लाख का इनाम पाओ। किसी भी गली में खड़ा नहीं हो पाइएगा आप, हर तरफ आप ही को अपना चेहरा नजर आएगा। तो दिखाओ तो कैमरा कहाँ है तेरा? तो हम बोले कैमरा जो है ना आपके आगे पीछे ऊपर नीचे, ऊपर में सेटेलाइट कैमरा, नीचे में सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा, सब तरफ है, आप सब कैमरा की नज़र में है। तो गुस्साते हुए बोला आप कौन है? हम बोले गार्ड हैं, थोड़ी घंटा ये रहते हैं। हाँ ये रहते हैं। तब उसको बोल रहे थे ये हटाने के लिए, साइकिल वहीं पे लगाया था नीचे, तो वो हटा नहीं रहा है। हम बोले दूसरे का पार्किंग में लगा हुआ है साइकिल, तो जिसका पार्किंग है ना उसको आने दीजिए, हम देख लेंगे, बात कर लेंगे। और क्या है कि मेरा रूम को बड़ी गौर से देख रहा है कि कोना कोनी बहुत झांक ताक झांक कर रहा है। बताया डॉक्टर, हैं? यहाँ जो लोग रहता है तो बताया हाँ हम बताएं। हाँ, और सबसे बड़ा हमको दिक्कत टेंशन हो गया था क्या, हम तो वहाँ रोक लिए 1st फ्लोर में, अगर वो मान लीजिए 4th फ्लोर पहुँच जाए यहाँ से, अगर बगल दोनों तरफ बंद है दरवाजा, अगर आप उसी समय दोपहर में देख के चला जाता कि दोनों तरफ बंद है, तो फिर वो समझ रहे कि आगे क्या प्लानिंग करते हैं। और हमसे पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है? तो बोले मेरा नाम से क्या मतलब, आप अपना नाम बताइए। तो बोल रहा अब्दुल अंसारी। अच्छा अब्दुल, हाँ ये आदमी। अरे चलो देखो कैसा बुढ़ा है, मेरा फ्लैट में जानता है ना, हम यहाँ पहले नहीं थे, हम पहले थे मोराबादी में। मोराबादी में यही हम जब से यहाँ सबको देखा, यहाँ दो, यहाँ तो 2 साल 2.5 साल से है ना। अच्छा पहले हम थे मोराबादी में। हाँ, तो वहाँ पर जिस फ्लैट में थे ना, नोट डकैत घुस गया था। अभी भी गूगल में निकालिएगा ना तो पुष्पांजलि अपार्टमेंट में इतना लाख के डके थे, 25 लाख के डके थे। वो हाँ, जबकि जैसे अंबर यहाँ पर है,
अंबर सफर यहाँ पे है, अंबर वहाँ पे है, तो हम अपना फ्लैट को बचा लिए, लेकिन उस फ्लैट में सामने वाले फ्लैट में चोरी हो गई। हाँ, गार्ड को जो है ना पूरा रस्सी से बांध करके कनपट्टी पे गन सटा करके घुसा दिया है और ये कर लिया। अब मेरे फ्लैट में जैसे ही घुस रहा था, हम छिप के बैठे हुए थे कार के पीछे, एकदम लाइट उट ऑफ करके गेट के पास। एक डेढ़ बजे का बात है, देख रहे हैं कि 9 से 10 आदमी कभी गेट से बाएं तरफ, बाएं से दाएं तरफ हो रहा है और देख रहा है अंदर तरफ। थोड़ा देर बाद देख रहे हैं कि दीवार पे चढ़ गया था और टॉर्च मार रहा है। जैसे ही दीवार पे चढ़ा है ना, तो मेरे सामने जो कार खड़ा था उसका दरवाजा पे एक नॉक दरवाजा पर मार दिया, आवाज़ से लगा चाहिए चाहिए चाहिए, तो उसी आवाज़ से हार पड़ाते हुए सब भाग गया दौड़ते। मतलब हम उसको देख पा रहे थे, वो लोग हमको हमको नहीं देख पा रहे। तो वहाँ पे था बढ़िया तो थाना का इंस्पेक्टर, तो बोला कहा नहीं तुम चिल्लाया चोराया चोराया, और हम इस तरह चिल्लाएंगे तो हमको छोड़ देगा उन लोग, तो वहीं मार देगा तुम। ये लोग क्या करता है, ये सब जो आता है ना मुस्लिम लोग जो है, ये लोग तो दिन दहाड़े कोई भी कांड कर देता है फटाक। ये लोग अपने पास में ना क्लोरोफॉर्म या कुछ रखता है सेंट उंट, आप खाली सामने खड़ा होंगे तो तुरंत तुरंत घर में घुस कर क्या सारा चीज निकाल लेंगे, उसके बाद कुछ पता नहीं चले कि क्या से क्या करके चला गया। अभी हो गया 35 रुपया, पहले 50 रुपया दे दिए थे, दे दिए थे, अब अभी खाने बाकी है। क्या चाहिए हम कहा कुछ चाहिए, ये यहाँ घुसा है। उसके कुछ दिन पहले ही आपका जयपुर में तो कांड हुआ था, वो लिफ्ट से जो मर गया था ना, लिफ्ट से नहीं दर्जी वाले का, दर्जी वाले का नहीं सुने थे, नहीं क्या हो गया, नापी लेने के बहाने गर्दन उड़ा दिया था। अच्छा वो तो मियां जो मार गया, हाँ वो तो अतीत है, जो मुस्लिम वाला ही था। अब इनके यहाँ जो है ना सामने में दो मियाँ घुसा था पॉलिस करने के लिए, पालन पॉलिस करने के लिए, हाँ, तो आंटी हमको दिन भर बैठा कर रखी थी घर में, बोलते ना एकदम आप हटबे नहीं कीजिए, ये लोग मुस्लिम है, ये डरता है ना, ये जो फॉर्म है ना इसमें थोड़ा। और ये लोग को हम बोल दिए हैं घर का जितना भी है ना, कि जो भी फेरी वाला जो है ना जो घूम घूम के बेचता है, उ लोग से सामान उमान मत लिया कीजिए, वो लोग केवल ना सामान बेचने कम केवल देखने आता है, सही लोकेशन बात नहीं सुनता है, बात देख के वो लोग चल जाता है केवल, बात बाकी बोला आ जाएगा 8:15 तक में बोल दे रहा।